अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों के पेपर ख़त्म हो गए हैं तो इसलिए मैंने सोचा है कि अब जो है ना थोड़ा सा रमज़ान को भी इंजॉय किया जाए। आज हम कुछ बनाएंगे, जो बनाएंगे वो आपको भी दिखाएंगे। सो लेट स्टार्ट, जो भी हम बना रहे हैं आपको दिखाते हैं। 4:15 हो गए हैं, सामान हमने मंगवा लिए, ऑनलाइन मंगवाया और अभी तक आया नहीं है, इंतज़ार चल रहा है। ओके जी, तो ये स्पेगेटी जो है बॉईल हो रही है, चिकन बॉईल हो रहा है। ये हमने पकोड़े बनाने हैं, चाइनीज पकोड़े। मिट्टू ठहर जाओ, चाइनीज पकोड़े उसके लिए बॉईल हो रहा है। और ये हमारी वेजिटेबल्स रेडी हैं। ओके जी, तो सबसे पहले ये प्याज जो है ना ब्राउन होगा, इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया, इसमें मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए और मैं इसमें नमक मिर्च वगैरह सब कुछ ऐड करूँगी। फिर ये अब इसका मसाला बना के फिर इसमें हम ऐड करेंगे चिकन। इसमें हल्दी ऐड की है, लाल मिर्च ऐड की है, काली मिर्च है, नमक, मैंने चिकन भी ऐड कर दिया। अब चिकन को कुक करेंगे, फिर हम अपनी सारी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। अच्छा, ये दूसरी तरफ हम लोग बना रहे हैं चाइनीज पकौड़े। इसमें मैंने जितनी सब्ज़ियाँ ली हैं ना, तकरीबन उतना ही पोर्शन जो है वो उसका मैदे का ले लिया है। इसमें चिकन चाहिएगा और गाजर है, बंद गोभी है और शिमला मिर्च है। तो इसकी रेसिपी वैसे मैंने की हुई है रिकॉर्ड, आई ट्राई कि मैं उसको ढूंढ के ना डिस्क्रिप्शन वाला काम कर दूँ, उसमें इसका लिंक लगा दूँ, लेट्स सी। तो खैर, ये चाइनीज़ पकौड़े बन जाएंगे हमारे। तो फिर सिर्फ नमक, काली मिर्च और कॉर्नफ्लोर ऐड करना है और अंडा जाएगा तो पानी के साथ बस मिक्स कर दो। और ये सब्ज़ियाँ जो है ना, ये मैंने अलग की हैं स्पेगेटी के लिए, स्पेगेटी जो भी ये कहते हैं। ये इसमें मैंने ना 2 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, तो देखें क्वांटिटी उसके हिसाब से कितनी है। तो मैं इसमें बाकी चीज़ ऐड करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। डन, अब इसके बस बना लेंगे। चिकन के हालात कुछ ऐसे हैं, बिल्कुल कुक हो गया, अच्छे से पकाना है इसको। मुझे तो जब तक चिकन जो है ना अच्छे से गले नहीं, मुझे तो नहीं सुकून मिलता उसको। खैर, अब ऑयल निकल आया बेचारे का, अब इसमें बाकी सब्ज़ियाँ डालते हैं आपको। ये सारी सब्ज़ियाँ कर दूँगी मैं, सब्ज़ियों को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा तपाना नहीं है उनको, बस मिक्स करके थोड़ा सा थोड़ा बहुत ही पकाना है। ये डाल दिया हमने केचप, चिली सॉस, इतना ही है, सारा ही आएगा बेचारा। तो खा ले, बढ़िया पानी गया। दिस इज नॉट पानी, दिस इज पानी, फॉर मी इट्स पानी। नो इट्स नॉट, अब इसमें जाएगा सोया सॉस, सोया सॉस थोड़ा सा डाल लेते हैं क्योंकि बाकी चीज़ें कम। ओके जी, तो ये हो गई है रेडी है। बस मैंने इसको ना 5 से 10 मिनट के लिए मैं भी दम पे रखूँगी। बहुत हल्की बारी है इनकी, और बर्तन शर्तन हम साथ साथ धोने की कोशिश कर रहे हैं, साथ किचन भी साफ हो जाए। ओके जी, सो ये है हमारे चाइनीज पकौड़े, ये है हमारी स्पेगेटी। इंतज़ार हो रहा है खजूर। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ब्रेक के बाद इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।